नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल में आपका स्वागत है। और फिर हम आ गए हैं नए जानकारियों के साथ में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाल में ही NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने, तेलंगाना में रामागुंडम एक जगह है जहाँ पे उसने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की है। और ये दोस्तों कमीशनिंग किया गया है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा किया गया है, बनाया गया है। और ये दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट है इंडिया में। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट की खासियत मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तैरता हुआ फ्लोटिंग। और दोस्तों 1 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट होता है, 1000 घर को रोशनी बिजली प्राप्त देता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है, करीब करीब 1 लाख घर को बिजली देगा। मैंने इस बिजली को यूज करके लोग, 1 लाख लोग जो हैं लाभार्थी होंगे और उनके घर को बिजली प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर इसी सोलर प्रोजेक्ट को अगर ज़मीन पे स्थापित किया जाए तो इस सोलर प्लांट को 500 एकड़ में लगाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों क्या हो गया, फ्लोटिंग सोलर प्लांट पे अगर ये यूज करते हैं, पानी के ऊपर यूज करते हैं, तो उस ज़मीन को हमारा सेव हो गया। मतलब उतना ज़मीन हमने बचा लिया, उस ज़मीन को हम दूसरे खेती के लायक यूज कर सकते हैं या दूसरे काम के लिए दोस्तों हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों ये है कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है, जो पानी के बाष्पीकरण को रोकता है, मतलब पानी जो ऊर के ऊपर जो चला जाए, ख़त्म हो जाए जलाशय से, उसको ये दोस्तों ये बचाता है। और दोस्तों दूसरा बेनिफिट ये है फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर प्लांट का, ये है कि ये तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है ठंडा होता है, जिसके कारण पावर प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, 10 से 15% पावर प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि अगर ठंडे समय में ये सोलर जो प्लांट है, प्रोजेक्ट जो है, ठंडे वातावरण में अच्छा बिजली का प्रोडक्शन होता है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इस सोलर प्लांट के स्थापना के कारण एक तो है 32 लाख क्यूबिक मीटर पानी के बाष्पीकरण को बचाया गया है, और 1,65,000 टन जो कोल है की सेविंग हुई है। मतलब कि इसी स्तर पे अगर हम बिजली का हम लोग प्रोडक्शन करते तो 1,65,000 टन कोयले की जरूरत पड़ती, वो दोस्तों उससे बचावा हुआ है। और देखा जाए तो इन्वायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए काफ़ी अच्छा है। और इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट के कारण हमने 2,10,000 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में जाने से हम लोगों ने इसको रोका है। और दोस्तों इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट की का जो कॉस्ट है 423 करोड़ का है। और ये यहाँ से जो बिजली जो है 33 KV अंडरग्राउंड जो केबल बिछा हुआ है, जिसके कारण यहाँ से बिजली को इवैक्यूएट करेंगे, निकालेंगे और घर तक पहुँचाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता इस यहाँ पे ये है, इस सोलर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का,
कि पूरी तरह इंडिजीनियस है, स्वदेशी तरीके से बनाया गया है। पैनल से लेके वायरिंग से लेके केबल से लेके हर एक चीज़ जो है इंडिजीनियस है, अपने भारत में ही बना है। और ये जो बायोडिग्रेडेबल भी है, स्विच से लेके स्काडा सुपरविजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन सिस्टम से लेके एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो दोस्तों है ये भारत में बना है। और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। और आप देखेंगे कि हाल के दिनों में भारत के दूसरे राज्यों में जहाँ पे बारिश होती है, जहाँ की बड़ा जलाशय है, वहाँ पे फ्लोटिंग सोलर प्लांट का बिछाया जाने वाला है। और हाल में ही मोदी जी ने एक मैंडेट किया है कि हर एक राज्य में है कम से कम 25% जो है बिजली का उत्पादन जो है सोलर पावर से हो। और दोस्तों आज के दिन फ्यूचर जो है, हमारा भविष्य जो है, ये सोलर ही है, जो कि वातावरण को बचाएगा, हमारे कॉस्ट को सेविंग करेगा। पर यूनिट कॉस्ट भी दोस्तों काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन विथ थर्मल या कोल से जो हम प्रोडक्शन करते हैं, बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ही अच्छा प्रयास है। और आगे के दिन में हम देखने जा रहे हैं ज़्यादातर सोलर, ज़्यादातर बिजली का उत्पादन जो इंडिया में अब हो रहा है, आरंभ हो रहा है, ये सोलर के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए YouTube वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा YouTube वीडियो चैन करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।